गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है जेराड और आप देख रहे हो जेराड गोम्स, जहां पर मैं ट्राई करता हूं आप लोगों के लिए कार वॉक अराउंड और रिव्यूज़ लाने के लिए। सो आज जो मेरे पास कार है वो है टाटा नेक्सॉन का डार्क एडिशन, जो नया नया लॉन्च हुआ है। सो ये मेरा थर्ड कार है जो मैं अभी रिव्यू कर रहा हूँ डार्क एडिशन के लॉन्च की। इसके आगे मैं टाटा हैरियर और टाटा एल्ट्रॉस का रिव्यू मैंने किया है। सो अगर आपको वो देखना है तो आई बटन पर क्लिक कीजिए, वहाँ पर आपका आ जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो। सो आज जो मेरा मेन टॉपिक है वो है टाटा नेक्सॉन। सो नेक्सॉन का जो ब्लैक डार्क एडिशन है वो तो एकदम घमासान लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है और डार्क कलर में तो एकदम स्टेल्थी लगता है। और मेरा जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो है ये DRL जो यहाँ पर है, वो तो मुझे मस्त लगता है नया वाला फेस लिफ्टेड में। सो पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये गाड़ी कौन सा वेरियंट पर अवेलेबल है। सो ये आपका टोटल 8 वेरियंट पर आता है, पेट्रोल और डीजल मिला के। XZ प्लस ऑप्शनल, XZ प्लस ऑटोमेटिक और XZ प्लस ऑटोमेटिक ऑप्शनल, ये आपका पेट्रोल और डीजल दोनों में आता है। सो इसका आप जो भी आपका चॉइस है तो आप ख़रीद सकते हो। सो विदाउट एनी वेटिंग लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पहले अगर मैं एक्सटीरियर के बारे में बात करूं, क्या क्या चेंजेस हुआ है। हेडलाइट का जो हाउसिंग है ये आपका ब्लैक एंड में आता है, ये आपका ब्लैक हाउसिंग में आपका हेडलाइट है। प्रोजेक्टर सेटअप है, ये आपका DRL है जो कि इंडिकेटर्स का भी काम करता है। यहाँ पर आपका फॉग लाइट्स है, यहाँ पर आपका सी एक शेप पे हाउसिंग है जिसका इस साइड मैट ब्लैक है और इस साइड ग्लॉसी ब्लैक है। नीचे आप देख सकते हो कि आपका एक स्किड प्लेट की तरह दिया हुआ है जो कि ग्रे कलर का है, ग्रेनाइट कलर, ग्रे कलर। और यहाँ पर आपका ग्लॉसी फिनिश है, यहाँ पर ग्रिल पे भी आपका ये एक साइड ग्लॉसी है और यहाँ पर आपका टाटा का लोगो है। दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है ये टाटा नेक्सॉन, और ब्लैक कलर में तो और भी अच्छा है। इसका ब्लैक कलर का नाम है कॉस्मिक ब्लैक। ये सेम है कलर जो टाटा एल्ट्रॉस डार्क एडिशन में आ रहा है। अगर हम लोग व्हील्स की तरह चले जाए तो ये 16 इंचेस के व्हील है और आपका ये जो टायर का साइज़ है ये है 215/60R16 टायर, 16 इंचेस के टायर है। और इसका जो एलॉय व्हील है ये ग्रे कलर का है, ये कलर और इसका ये कलर मैच करता है, बट ये ग्लॉसी है सो अच्छा लगता है ये। और ये जो बॉडी क्लैडिंग है ये एकदम पूरा पीछे तक जाता है, जैसे हैरियर में है वैसा भी नेक्सॉन में है। यहाँ पर आपको डोर में ये आपको ग्रेनाइट ग्रे कलर का एक डोर में क्लैडिंग मिल जाता है जो कि अच्छा लगता है। और यहाँ पर एक ईस्टर एग जो है, यहाँ पर आपका जो ये जो डिज़ाइन है ये भी वो ट्राई एरो का डिज़ाइन है, आप देख सकते हो ये पूरा रन करता है पीछे तक। डोर हैंडल्स भी ब्लैक कलर है और यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है। ये जो बेल्ट लाइन है, बेल्ट लाइन जो पीछे तक जाता है ये आपका ग्रेइश कलर पे है जो अच्छा लगता है, कॉम्प्लीमेंट करता है गाड़ी को। ऊपर रूफ रेल दिया हुआ है बट दिस इज़ ओनली फॉर शो, ये फंक्शनल नहीं है। शार्क फिन एंटेना आपको मिल जाता है पीछे। और रूफ जो है, रूफ ग्लॉसी ब्लैक में है, ये मैट पे नहीं है, ग्लॉसी ब्लैक कलर है। पीछे का भी व्हील्स भी सेम है, 215/60R16 टायर्स। अगर हम लोग पीछे की तरह चले जाएँ तो आप देख सकते हो कि नेक्सॉन का ये जो स्पेशल है ये ट्राई एरो डिज़ाइन आपको मिलता है जो टाटा का डिज़ाइन लैंग्वेज है। यहाँ पर आपका ब्रेक लाइट LED है, आपका टर्न इंडिकेटर्स और रिवर्स लाइट आपको हैलोजन में मिलेगा। यहाँ पर आपका रिफ्लेक्टर्स है, यहाँ पर आपको एक स्किड प्लेट की तरह एक मिलता है जो कि ऊपर का हाफ ब्लैक कलर है, मैट ब्लैक, और नीचे आपका मिलता है ये ग्रे कलर में। यहाँ पर आपका पार्किंग सेंसर्स है, आप देख सकते हो। यहाँ पर फिर नेक्सॉन का बैजिंग ये ब्लैक कलर पे है जो मैट है, ये पहले क्रोम में आता था सो ये बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर आपका रिवर्स पार्किंग कैमरा, टाटा का लोगो, रियर वॉशर वाइपर और डिफॉगर, हाई माउंट रियर स्टॉप लैंप। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं फ्यूल टैंक। सो अभी बूट चेक करते हैं कितना स्पेस है बूट पे। सो यहाँ पर अगर आप ये बटन प्रेस करेंगे तो बूट ओपन हो जाएगा। सो आप देख सकते हो बूट तो बहुत ही अच्छा है, स्पेशियस है, ज़्यादा लोडिंग लिप नहीं है यहाँ पर, थोड़ा सा है बट दैट इज़ मैनेजेबल। यहाँ पर आपको पार्सल शेल्फ मिल जाता है जो कि बड़ा है बहुत। यहाँ पर आपको एक हुक मिल जाता है अलॉन्ग विद द लाइट, यहाँ पर और एक हुक है। यहाँ पर आपका टायर रिपेयर किट है, यहाँ पर और दो हुक्स है, तो स्पेस के हिसाब से बहुत अच्छा है। बूट का विड्थ भी बहुत अच्छा है और इसका जो हाइट है वो भी अच्छा है, तो आप बहुत कुछ रख सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर भी थोड़ा स्पेस आपको मिलता है। तो अभी फ्रंट सीट पे जाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स है टाटा नेक्सॉन डार्क एडिशन पे। तो अगर हम लोग ये डोर खोलेंगे तो आप देख सकते हो ORVM का कंट्रोल्स यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर आपको मिलता है आपका विंडो के कंट्रोल्स
और यहाँ पर आपका ये जो डोर हैंडल है यहाँ पर मिलता है एक। सो यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर तो मिलता नहीं है, बट यहाँ पर स्पेस है, आप चीज़ें रख सकते हो। यहाँ पर एक अम्ब्रेला होल्डर है, यहाँ पर आपको स्पीकर मिल जाता है, हार्मन कार्डन का सिस्टम है। यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक एडजस्टेबल तो नहीं मिलता है, बट आपका मैन्युअली एडजस्टेबल सीट्स आपको मिलेगा, 6-way मैन्युअली एडजस्टेबल सीट्स। यहाँ पर डार्क हैशटैग डार्क का ब्रांडिंग, क्योंकि डार्क एडिशन है ऑब्वियसली। और यहाँ पर आपका लेदर हेड अपहोल्स्ट्री मिलता है, और ये लेदर आप देख सकते हो ट्राई एरो डिज़ाइन है यहाँ पर, जो कि बहुत प्रीमियम लगता है। स्टिचिंग भी बहुत अच्छा है यहाँ पर, सो इट लुक्स प्रीमियम। सो अगर हम लोग अंदर बैठेंगे तो देखते हैं क्या है। सो अभी मैं अंदर बैठ चुका हूँ, और पहला जो स्ट्राइकिंग चीज़ है वो है ये, यहाँ पर आपका डुअल टोन फिनिश मिलता है, जो कि हर एक डार्क एडिशन कार पे अभी टाटा दे रहा है। सो ऊपर वाला है यहाँ पर मैट, ये जो प्लास्टिक है यहाँ पर ग्लॉसी है, और नीचे फिर मैट प्लास्टिक है। यहाँ पर ग्लव बॉक्स चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पर एक डैम्प्ड फीचर है, तो ग्लव बॉक्स तो एल्ट्रोस की तरह ही बहुत बड़ा है। यहाँ पर आपको बहुत सारा कंपार्टमेंट्स मिलता है, ये कूल्ड और कूल्ड ग्लव बॉक्स है, और अंदर लाइट भी है। सो यहाँ पर बहुत कुछ आप रख सकते हो। यहाँ पर आपको टच स्क्रीन सिस्टम मिल जाता है, हार्मन कार्डन का टच स्क्रीन सिस्टम, जो कि एल्ट्रोस में भी आता है। और ये सिस्टम स्लिक है, आपका एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले और आयरा का कनेक्टेड कारटेक भी मिलता है। यहाँ पर आपका नेक्सॉन का बैजिंग, यहाँ पर हैजर्ड लाइट, एसी वेंट्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के स्विचेस, और यहाँ पर आपको मिलता है एक्सप्रेस कूल फीचर। ये है आपका सेंट्रल लॉकिंग, ये है बूट खोलने का बटन, और ये है फॉग लाइट का बटन। यहाँ पर आपको कुछ स्पेस मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हो एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है। यहाँ पर 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, यह ऑटोमेटिक में भी आता है। ये आपका ड्राइविंग मोड्स, इको, सिटी और स्पोर्ट मोड। आपका यहाँ पर हैंड ब्रेक, यहाँ पर चाबी रखने का चाबी तो है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको थोड़ा जगह मिलता है, आप देख सकते हो। तो स्पेस है अंदर, बहुत अच्छा है, डीप है। सो आप रख सकते हो आपका फ़ोन, चाबी, ये सब रख सकते हो। आर्मरेस्ट में भी जगह मिलता है आपको यहाँ पर, और ये तो आप ओपन कर ही सकते हो। तो नॉर्मल फीचर्स जो आता है नेक्सॉन पे वो ही है, सिर्फ अंदर में जो डिफरेंस है वो है ये कलर स्कीम का। अभी फुल ब्लैक इंटीरियर में आता है अलॉन्ग विद ग्लॉसी और मैट ब्लैक प्लास्टिक। बिल्ड क्वालिटी तो अच्छा है, आप देख सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द सेफेस्ट कार्स है इंडिया में, सो वेरी प्राउड ऑफ दैट। अंदर में आपको इनसाइड ये मिरर आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा, ये आपका मैनुअल है। लाइट के स्विच, सो अगर मैं ये बटन प्रेस करूँ तो सनरूफ ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हो सनरूफ ओपन हो गया है। और सनरूफ का स्पेस तो अच्छा ही है यहाँ पर, फिलहाल अभी बंद कर देते हैं इसको। सब ये बटन, अगर बीच वाला बटन प्रेस करेंगे तो सनरूफ बंद हो जा रहा है, और ये आपका जो है ये आप बंद कर सकते हो। सो, ये टाटा नेक्सॉन का स्टीयरिंग है, अब ये भी लेदर रैप्ड है, और यहाँ पर आपको ऑडियो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपका क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। ये आपका डिस्प्ले है, ये तो सेम है जो नॉर्मल आपका सबसे ऊपर वाला मॉडल में जो आता है नेक्सॉन का, ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। मुझे थोड़ा ठीक लगता है, आई प्रिफर एनालॉग डायल्स, बट ठीक है, अभी जिन लोगों को अच्छा लगता है दे कैन गो फॉर दिस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यहाँ पर आपको एसी वेंट के बाहर ये ग्लॉसी फिनिशिंग मिल जाता है यहाँ पर, और ओवरऑल सामने का स्पेस तो बहुत अच्छा है। आपको एयरबैग्स भी मिलता है, दो एयरबैग्स आपको सामने मिलते हैं, ABS, EBD, ये सब तो स्टैंडर्ड है। तो अभी पीछे के सीट पे जाते हैं और देखते हैं कितना स्पेस है और क्या क्या फीचर्स हम लोगों को मिलता है। सो अभी पीछे का डोर अभी अगर हम लोग खोलेंगे तो यहाँ पर आपको विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और यहाँ पर थोड़ा स्पेस आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपका एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, और यहाँ पर वो सेम ट्राई एरो डिज़ाइन बैक सीट मिल जाता है यहाँ पर। तो चलिए अभी अंदर बैठते हैं, ये सीट तो पूरा एकदम पीछे किया हुआ है, सो देखते हैं कितना स्पेस है। सो आप देख सकते हो मेरा हाइट तो 5'11" है, ये सीट एकदम पूरा पीछे किया हुआ है, बट फिर भी मेरा थोड़ा सा इतना सा 1 इंची तक तो लेग रूम है ही। अंडर थाई सपोर्ट भी बहुत अच्छा है ऑब्वियसली, और नी रूम भी बहुत अच्छा है, नीचे सीट के नीचे आप पैर रख सकते हो। यहाँ पर आपको दो AC वेंट मिल जाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट तो है नहीं। आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाता है यहाँ पर अलॉन्ग विथ 2 कप होल्डर्स, सो ये अच्छा है। एल्ट्रोस में कप होल्डर नहीं था, बट नेक्सॉन में है, सो आई होप टाटा एल्ट्रोस में फ्यूचर में अपडेट में दे देते हैं कप होल्डर्स। अभी तो एक बहुत अच्छा फीचर हो गया है कप होल्डर्स। तो अभी रूफ जो आप देख रहे हो ये डार्क एडिशन में तो ये पूरा ब्लैक आता है,
हेडरूम ठीक ठाक है, आप देख सकते हो हेडरूम। ये सनरूफ के लिए थोड़ा नीचे किया हुआ है रूफ, बट फिर भी मेरे हाइट के हिसाब से है, थोड़ा जगह है, बट मेरे हाइट के ऊपर अगर लोग होंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा उस पे। ये कुछ सामने का लुक है, आप देख सकते हो सामने से अच्छा लगता है, बहुत ही स्पेशियस कार है। ब्लैक होने के सिवा भी स्पेस तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, बहुत ही बड़ा मतलब ओपन कार लगता है, और सनरूफ के लिए तो और भी लगता है एयरी फीलिंग होता है, सो आपको कूप टॉप ज़्यादा नहीं लगेगा। सो ज़्यादा कुछ पीछे है नहीं, यही बेसिक जो आपका नेक्सॉन का टॉप मॉडल आता है उसका सब फीचर सेम है। यहाँ पर तीन बंदे आराम से बैठ सकते हैं, विद अच्छा है कार का, तीन बंदे आराम से बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस पर। सो गाइज, ये मेरा रिव्यू था टाटा नेक्सॉन डार्क एडिशन का। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरा जो प्रीवियस 3 वीडियोज़ है उसको ज़रूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरह से ट्राई किया है समझाने के लिए कार्स का फीचर्स। सो ज़रूर इसको शेयर कर दीजिए वीडियो को, अगर किसी को अगर ख़रीदना है तो, अगर आप कोलकाता में रहते हो तो ज़रूर ये लेक्सस मोटर्स राजाघाट पे जो है उसको चेकआउट कीजिए, यहाँ पर बहुत हॉस्पिटेबल है ये लोग, और मुझे बहुत अच्छी तरह ने इन लोगों ने गाइड किया और मुझे वेलकम किया, सो आई एम वेरी हैप्पी। और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, अगर क्योंकि अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे फिर मैं इतना कार्स का रिव्यू मैं ले आ सकता हूँ, और कंपनी भी मुझे कार्स देंगे रिव्यू करने के लिए, सो आई होप वो एक दिन पॉसिबल हो। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत ही हेल्पफुल होगा मेरे लिए, और लाइक तो ज़रूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि अगर आपका टाटा नेक्सॉन है डार्क एडिशन आपने बुक किया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था, और अगर आपको गाड़ी मिल गया है सो आपका अभी तक एक्सपीरियंस कैसा था मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आपका कोई भी डाउट है क्लियर करने के लिए वो भी मुझे बताइए, मैं ज़रूर क्लियर कर दूँगा। सो टिल देन आई होप आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, चाओ।